हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। मैं कौन हूँ और मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में हमारे मन में संदेह है। अपने आप को हम बहुत छोटा मानते हैं। आइए वीडियो में देखते हैं कि हमको क्या संभव है, हर व्यक्ति क्या कर सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, ये इसको संभव है देखते हैं। आपका स्वागत है वीडियो में फिर से एक बार। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला प्रैक्टिस करता हूँ। आदमी को क्या संभव है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जो कहानी आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। कहानी ऐसी है कि एक बड़े बहुत बड़े कंपनी में अपने एक बॉस ने एक कंपटीशन लगा दिया। कंपटीशन लगा दिया ये कि उनका बहुत बड़ा रजवाड़ा था, पैलेस था और तालाब था। संडे का दिन, छुट्टियाँ थी, सब कर्मचारियों को बुला के हंसी मजाक चालू है, पार्टी चालू है। और उन्होंने, बॉस ने ये बताया कि चलो आपके लिए कंपटीशन है और ये कंपटीशन में ऐसा है कि तालाब में जो कर्मचारी ये किनारे से वो किनारे तक तैर के जाएगा वो उसको 50 लाख का इनाम दिया जाएगा, और समझो वो उसमें मर जाता है तो उसके वारिस जो है उनको 10 लाख मिल जाएगी। ये कंपटीशन इसलिए थी कि उसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे और आदमी जिंदा उधर जाएगा नहीं जाएगा इसका संदेह हर एक को था और वो बॉस को भी था। तभी ये कंपटीशन में तो कोई उतरने को तैयार नहीं था वो तालाब में। सबको मालूम था कंपटीशन लेने में मतलब ही नहीं है, कौन करेगा इसमें का, कोई उतरने को तैयार नहीं। उतने में एक जोर से धप से आवाज़ आ गई और एक इंसान तालाब में तैरते हुए दिखा लोगों को। लोग बोल रहे हैं इसको बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगे, अरे मर जाएगा, मगरमच्छ उसको खा डालेंगे, पकड़ेंगे उसको, मार डालेंगे। मगर ये इंसान जो है वो धीरे 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 तैर के दूसरे किनारे तक जाने लगा। लोग किनारे किनारे से आ रहे, कोई उसको चेयरअप कर रहे, कोई उसको बोल रहे कि बचाओ बचाओ, कोई बोल रहे अरे कूदो इसको बचाओ ये मर जाएगा, उसको मगरमच्छ मार डालेंगे, ऐसा चालू है। और ये व्यक्ति तैरते 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 उधर वो दूसरे किनारे तक वहाँ पहुँच गया और वहाँ से बाहर आ गया। वहाँ बाहर आने के बाद में उसको पानी भी नहीं, वो मुँह से बाजू करने लगा और बॉस ने उसको बोला कि भाई इतनी हिम्मत से वो ये किनारे से वो किनारे तक आ गया तो 50 लाख तो मुझे देने ही पड़ेंगे, मगर तुझे इतनी हिम्मत की कैसे? जब कोई हिम्मत करने को तैयार नहीं तो सबसे कमज़ोर आदमी हमारे इतनी हिम्मत तू कैसे कर सकता? तो बोले मैं कहाँ हिम्मत कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे को धकेला किसने। और उसको ये मालूम पड़ा बाद में कि उसके पत्नी ने उसको धकेल लिया। पत्नी ने सोचा होगा ये तैर के जीत गया तो 50 लाख मिलेंगे और मर गया तो वारिस को 10 लाख, उसको 10 लाख मिल जाएंगे, और उसने उसको धकेल लिया। मगर वो जो कंपटीशन थी वो जीत गए। अब इसमें जोक का जो पार्ट है वो छोड़ दिया, तो आप ये देखो कि वो तैरते तैरते मतलब पत्नी ने धकेल लिया, वो जोक समझो हम देखते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो हर व्यक्ति वो जो वहाँ थे सब लोग तैरना जानते थे, सब लोग खुद के 50 लाख का इनाम जीत सकते थे, मगर हर एक के दिमाग में क्या है कि नहीं मैं नहीं यह कर सकता, मुझे यह संभव नहीं है। और ये व्यक्ति को उसके पत्नी ने धकेल दिया तो ये खुद के फिर वो तैर के दूसरे बाजू निकल गए। कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में 24 घंटे 24/7 ये चलते रहता है कि मुझे ये जमेगा नहीं, ये होगा नहीं, मैं ये कर सकता नहीं, मैं इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। ऐसा कंटिन्यूस हमारे दिमाग में एक डायलॉग बचपन से भरा हुआ रहता है और वो डायलॉग से हम काफ़ी काम जो है जो आसान भी है तभी हम करते नहीं हैं, जिसकी हमको हैबिट लगी वो काम करते रहते हैं। हैबिचुअली जो हम उसमें एक्सपर्ट हो गए वो हम काम करेंगे, नया कुछ भी हम करेंगे नहीं क्योंकि हमको लगता है कि मैं नहीं कर सकूँगा, मेरे से होगा नहीं। हर व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन, सबके लिए सब संभव है। मगर हमारे दिमाग में क्या रहता है हरदम कि मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकूँ, उसके लिए संभव है वो कर सकेगा। तात्पर्य ये बात का यह है कि हर एक के लिए हर चीज़ संभव है, ज़रूरत है कम्फर्ट जोन के बाहर आने और कुछ भी नया करके देखने की, और वो यदि करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत असामान्य व्यक्ति बन सकते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हमारा जो मकसद है वह है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है, एक है मानसिक रोगियों के लिए जहाँ हिसारों के साथ में भर्ती करते हैं, हिसारों के अलावा भर्ती करने का अलग हॉस्पिटल है। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, तो आप जरूर जरूर हमें संपर्क कीजिएगा।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।